मसाला कड़ी पकौड़ा पर इसकी बदबू एक बार धोने से नहीं निकलेगी। तो एक बार मैं धो देता हूँ, एक बार तुम। ओके डन। नए विम लिक्विड में है ट्रॉपिकल इमो की फ्रेश शक्ति, जो लहसुन प्याज की कड़ी बदबू को भी एक ही वॉश में निकाले। अब तुम्हारी बारी। और लहसुन प्याज की बदबू गायब।
हो जाएगी, फिर हमें खाना खाने भी जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। आप स्नान कर लीजिए। हाँ लता, तुझे यहाँ किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो नहा लो गर्मा गर्म पानी से, एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। रहेगी यहाँ पे। बैठो लता, खाना खाओ। घर छोड़ने के विचार से भी इसकी रूह कांपे।
शुरू करो, खाना शुरू करो। दुख होता है ये देखकर कि एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही स्वाभिमान दी थी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया इस लायक बनाया कि वो अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चले, उन दरिंदों ने लता जी को एक एक दीवाने के लिए मोहताज कर दी। लता जी इतनी बेबस हो चुकी कि उन्होंने अपना घर जिसे उन्होंने स्वर्ग की तरह बनाया था उस नर्क को खुद छोड़े वृद्धाश्रम में आ गई। दोस्तों हमारे समाज में लता जी जैसे न जाने कितने बुजुर्ग लोग हैं जो इस तरह की पीड़ा से हर रोज गुजरते हैं, जहां उनके अपने उनके बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं वहां ये वृद्धाश्रम उनका सहारा बनते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लता जी अपना पीछा उस दर्द से छुड़ा पाएगी? एक माँ दिल में दुखों का बोझ लिए कैसे जी पाएगी? आइए देखते हैं। कल शाम 7 बजे दंगल के हीरोज अपनी हीरो पत्नी से बचाएंगे तो कंसंट्रेशन भी जरूरी है ना, इसीलिए कॉम्प्लान जिसमें है 63% प्रोटीन और 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ये दे दुगनी तेज ग्रोथ मेमोरी और कंसंट्रेशन को सपोर्ट। अब कॉम्प्लान गर्ल क्या हुआ? ये क्या
वैक्सीन उसके आजमाए अचूक इलाज के लिए मॉर्निंग इसका टाइटल सुना है फॉर्मूला त्वचा में समाये और दर्द से भी जल्द से जल्द रहा है मॉर्निंग आज कॉन्टेस्ट में सबसे अलग दिखूंगी अपने बालों की शाइन में मैं शाइन करूंगी नारियल से बना पैराशूट एडवांस जैसे बालों में जाए 10 परत तक गहरा और उन्हें दे एक हेल्दी शाइन पैराशूट एडवांस जैसे बहुत कोशिश की फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है एक साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं इंदिरा आईवीएफ निसंतान का और टेस्टिंग बेबी सेंटर माजी क्या हुआ पुलिस इनको लेने आई है इसके बच्चों को तो चैन ही नहीं है लता उठो उठो लता क्या वो पुलिस आई है तुम्हें लेने क्यों तुम्हारे बच्चों ने कंप्लेन की होगी इसलिए और क्या मैं खुद अपना घर छोड़कर आई हूँ मुझे अब फिर से उस घर में नहीं जाना आपको चलना ही होगा माता जी सर वो जब यहाँ से जाना नहीं चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इनके बच्चों ने लिखवाया है और हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है तो अब ये यहाँ नहीं रह सकते इनको घर में ही रहना होगा चलिए माता जी पता नहीं यहाँ से जाने के बाद मेरा वो क्या हाल करेंगे तू फिकर मत कर हम तुझे वापस लाएंगे भैया वो देखिए माँ जी कहाँ चले गए
लगता है इनके सर पे कोई गहरी चोट आई है। लगी कैसे? दरअसल वो बादलों में गिर गई थी, सर दीवार से टकरा गया। सॉरी टू से बट शी इज इन कोमा। क्या? कोमा में? डॉक्टर साहब ये कोमा से बाहर कब आएंगे? ड्राइवर कोई पता नहीं, आज कल परसों या फिर कभी। और हाँ, इस बार इनका ख्याल आपको पहले से भी ज्यादा रखना है। जी जी डॉक्टर साहब। अब इस बुढ़िया की सेवा भी करनी पड़ेगी, मुझसे नहीं होती इसकी सेवा। जायदाद चाहिए ना तो देखभाल करनी पड़ेगी। पापा से तुम दोनों टाइम बांध दो और सेवा स्टार्ट करो। एक बार ये प्रॉपर्टी हाथ पे आ जाए निकाल बाहर करेंगे मां को, तब तक सेवा करो समझे। कितनी बदबू आ रही है।
क्या लेना है, बस तुझको ही मैं चाहूं। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही मैं चाहूं। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस खुद को ही मैं चाहूं। जैसे दिल को महब्बत दिलबर से हम हैं, ऐसी महब्बत है तुमसे। चलो तुम भी कहो ना कुछ हमसे। ईश्वर को तो कभी हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, इसलिए उसने माँ को साक्षात ईश्वर के रूप में बनाया। और हर बच्चों का ये फर्ज है कि अपने माँ बाप का सम्मान करे, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करे। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपनी जीवित माँ को मौत से भी बदतर जिंदगी दी। दोनों बहू बेटे पैसों की लालच में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने लता जी को टॉर्चर कर करके मारना जरूरी समझा। दोस्तों, सरकार ने ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त कानून बनाया। अगर कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी के हिस्से से वंचित कर दिया जाएगा। और इस तरह के सख्त कानून के चलते आज दोनों बहू बेटे जेल की सलाखों के पीछे है। यहाँ में दाद देनी होगी लता जी की, जिन्होंने हार नहीं मानी और समय रहते अपनी सूझबूझ से अपने मुजरिम बच्चों को सजा दिलवाई और ये साबित कर दिया कि ये दुनिया हमें तब तक ही डरा सकती है जब तक कि हम डरते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ।
फिर मिलूंगा जुर्म की एक और हैरत अंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तैतीस मिनट मतलब आधा घंटा। तभी तो सर तुम नहीं थे मुझे क्या होने ना, बस खुद को ही पहचान। महालक्ष्मी माता तेरी जय हो, माता और ये
Go, baby, that's your time, gotta go. Hold up the moon. This was called for. Let me tell you.
सुधरने का अवसर भी देंगे। तो क्या अपने दांत को सुधरने का एक अवसर नहीं देंगे आप? क्या फिर हमारे साम्राज्य को जाकर कठोर दंड देना चाहते हो हमें कि अपनी आंखों के सामने इस संपूर्ण संसार को पढ़ाई की गोद में समाते हुए देखते रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे? देवताओं की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ शनिदेव, जब भविष्य में देवता कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जाकर रोक लीजिए पत्रा को। प्रभु का प्रकरण उचित है पुत्र शनि, मैं कहता हूँ अपने पता है जाओ और जाकर संसार को बचा लो। जाओ कहीं ऐसा ना हो कि वो अदालत के मार्ग पर इतनी आगे बढ़ जाए कि वहां से इसको लौट कर आना असंभव हो जाए।
नियंत्रण